गुड आफ्टरनून क्लास, माय सेल्फ प्राची सक्सेना। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो अभी हमने एंटीनेटल के बारे में पढ़ा था, उसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, कौन कौन से इंजेक्शंस लेने, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की टैबलेट्स के बारे में डिस्कस करा था। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से डेंजर साइन होते हैं कि इमिडिएटली आपको अपनी वाइफ या फीमेल या बहू जो भी है, बेटी है, उनको आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो उसके लिए सबसे पहला साइन क्या होता है, फीमेल को अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास फीमेल को लेकर जाना है। फीमेल को बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, ठीक है, तो अपनी मर्जी से कोई भी टैबलेट मत दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आपको फीमेल को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ओके, फीमेल को फिट्स आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फीमेल को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, जी बहुत ज़्यादा मचल आ रहा है फीमेल का, नोज़िया हो रही है, ठीक है, वीकनेस है, वर्टिगो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिजनी हो रही है, यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है, तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल के पैर में बहुत ज़्यादा सूजन है तो हो सकता है वो प्री एक्लेम्पसिया का साइन हो या एक्लेम्पसिया का साइन भी हो सकता है। होप आप लोगों को ये जो कुछ डेंजर साइंस मैंने बताए ये आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सो जय माता दी, बाय बाय ऑल।